नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला गुंजन पाठ 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम एवरेस्ट की चोटी के बारे में जानेंगे कि एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला के जीवन के बारे में। तो बच्चों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बैचेंद्री पाल। इस पाठ के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बैचेंद्री पाल ने अपने साहस आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर होता है चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि उनकी यात्रा कैसे रही। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगद और रोजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगद और रोजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगद और रोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरोजी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने दोबारा चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नाइलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोरो जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा।
उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदोरोजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 तक पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा 10:40 में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार और कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना, आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान बिचेंद्री केवल 3 में ही नीचे वापस आ गई हैं और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, आज हमने एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट इस पाठ के माध्यम से बिचेंद्री पाल के बारे में जाना। अब आप इस पाठ को ध्यान से वीडियो लेक्चर में सुनिए और पढ़िए। धन्यवाद।